वेलकम टू सारिका स्टडी अकेडमी। तो आज क्लास 8 का इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 2 मैंस रिलेशन विथ एनिमल्स, तो इसकी वर्कबुक के सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है व्हेन द अरब, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द अरब वॉज वाउंडेड हिज हॉर्स कॉट हिज बेल्ट, बी आंसर है, बिटवीन हिज टीथ एंड ब्रॉट हिम। सेकंड सी, पेरेडुपिन न्यू प्रिंस एडवर्ड स्टील ऑफ मॉन्ट्रियल बेटर देन एनी अदर पर्सन। द स्प्लेंडर कॉम्बिनेशन आर द वर्ड यूज इन द स्टोरी अ सीक्रेट फॉर टू, जोसेफ एंड पेरे। फोर्थ, एट द स्टेबल पेरे वुड बूस्ट ऑफ जोसेफ स्किल, तो इसका सी आंसर है, डी आंसर है बी एंड ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। फिफ्थ, पेरे मोस्टेश इज कंपेयर्ड विथ दैट ऑफ वॉलरस, डी आंसर। जैक्वेस अ फोरमैन ऑफ द स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, वन मॉर्निंग पेरे गोट अ ड्रेडफुल न्यूज दैट हिज बिलो हॉर्स जोसेफ डाई। द एम्बुलेंस डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट बोथ बी एंड सी। हाउ मच टाइम डिड जोसेफ अलाउ पेरे टू गेट डाउन एंड डिलीवर मिल्क, तो इसका सही आंसर है 30 सेकंड। पेरे वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस। जैक प्रपोज्ड टू द मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी दैट पेरे शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन। पेरे रिफ्यूज टू रिटायर बिकॉज ही कुड नॉट बियर टू लाइफ विदाउट जोसेफ। जोसेफ वॉज 25 वाइल पेरे वॉज 75। वॉट डिड जैक्वेस सीज इन द पेरेस आई, अ डेड लाइफ लाइन, अ डेड लाइफलेस लुक। हाउ डिड द ट्रक ड्राइवर ट्राई टू सेव पेरे, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन टू, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। पिक आउट द एडजेक्टिव यूज फॉर हाउस हॉर्स, द आंसर है द एडजेक्टिव यूज फॉर द हॉर्स आर लार्ज वाइट पिक नाइस काइंड एंड जेंटल। वॉट डिड पेरे डू वेन द वाइल्ड हॉर्स वॉज गिवन टू हिम बाय द कंपनी। वेन द वाइट हॉर्स वॉज गिवन टू द पेरे बाय द कंपनी ही स्ट्रोक द हॉर्स द नेम, ये नहीं आएगा, द हॉर्स नेक एंड लुक इन टू हिज आईज, देन ही डिसाइडेड टू नेम द हॉर्स आफ्टर सेंट जोसेफ, JOSEPH, ठीक है। वाई डिड द पेरे गिव द हॉर्स द नेम जोसेफ, द पेरे गेव द नेम जोसेफ बिकॉज इट वॉज अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड जेंटल वन लाइक सेंट जोसेफ। हाउ वॉज इट एविडेंस दैट इज ड्रॉ हिडन स्ट्रेंथ फॉर फ्रॉम द अदर, तो इसका सही आंसर है इट वॉज एविडेंट दैट ईच ड्रॉ हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर बिकॉज वेन पेयर वॉज सिटिंग ओल्ड, ठीक है। तो ये आप लाइन लिख सकते, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। वॉट हैपन टू पेरे एंड हिज हॉर्स वेन दे फिनिश्ड देयर वर्क,
When they finished their work, Pere would lie down the street, seeming very old indeed. Next question. Who understood Joseph and Pere? How can you say it? Jax understood Joseph and Pere because he was a kind man, noted manually their relation and bonding. थर्ड पैराग्राफ के क्वेश्चन देख लेते. व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ द मैनेजर्स विजिट टू द मिल्क कंपनी. द पर्पज ऑफ द मैनेजर्स विजिट टू द मिल्क कंपनी वॉज टू इंस्पेक्ट द अर्ली मॉर्निंग डिलीवर्स ऑफ मिल्क. व्हाई डिड जैक्स फील आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट. जैक्स फेल्ट आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट बिकॉज टू ऑब्जर्व The way of Pear is Pear's talking with Joseph, looking in horse eye. Question 3. What was Jack's suggestion to the manager of the milk company? Jack's suggestion to the manager of the milk company was that Pear should be retired and given a small pension. Question 3. Answer the following question in 2 or 3 sentences. Which Pear is referred to? Two as a splendid combination. Why? The pair of Joseph and Pere is referred to as a splendid combination because both of them had a perfect understanding for each other. Why name the white horse as Joseph? Why? Pere named the white horse as Joseph because it was a nice horse, a kind and gentle one like Saint Joseph. How did the manager of the milk company appreciate Paris' services? The manager of the milk company appreciated Paris' services by saying that he had done his services without any complaint. So now he should rest, but his salary will be continued. Question 4. What suggestion did Jax make to पेरे वेन जोसेफ डाइड. तो इसका आंसर है जैक्स सजेस्टेड पेरे टू हैव अनोदर हॉर्स एंड ट्रेन हिम ऑन द सेम रूट लाइक जोसेफ वेन जोसेफ डाइड. डिस्क्राइब पेरे ग्रीफ ओवर द डेथ जोसेफ. The news of Joseph's death was very shocking for Pere. He broke down completely. Jax could read a dead lifeline look in his eyes. Question 6. How did Pere meet his death? Oh, hearing the news of Joseph's death, Pere was in deep sorrow. He didn't hear to take off that day suggested by the Jax solving greatly. He implied he limped down the street at the same time a huge truck was coming fast. The truck driver gave horn, but Pere neither heard now. Saw he was dash hit by the truck and met his death. Next question. Explain the title A Secret for Two. Pere had been blind due to cataract for the last 5 years, but only Joseph knew this. Nobody in the company was knowing it, so this was a secret between the two, Joseph and Pere. It is a symbol of their true friendship and understand for each other. This only helped Pere to do job, though he had been blind. ठीक है. क्वेश्चन 4. मैच ए बी. इसमें पेरे का ई आंसर आएगा
एस वन ग्रोस लेग्स गेट टायर्ड, जैक का डी आंसर टेक टूडे ऑफ पेरे, मैनेजर ऑफ द मिल्क कंपनी थ्री का ए आंसर आएगा टेल हिम इट इज ही शुड रेस्ट, एम्बुलेंस डॉक्टर फोर का सी आंसर आएगा डिंट यू नो ही वॉज ब्लाइंड, ट्रक ड्राइवर इसका भी आंसर आएगा आई कुडंट हेल्प इट। क्वेश्चन फाइव ट्रू फॉल्स, मॉन्ट्रियल इज अ वेरी लार्ज सिटी इन अमेरिका, फॉल्स, पेरे डुपिन हैज डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिली ऑन पेरे एडवर्ड स्ट्रीट फॉर 30 years, false, पेरे never touched the rain, true, पेरे was a milk wagon driver, true, Joseph was gifted to पेरे by Saint Joseph, false, Joseph knew the milk route as well as पेरे did, true, the manager of the milk company was not happy with पेरे work, false, पेरे wanted to get retired along with Joseph, true, Joseph was 25, Pere was 75, true, a truck ran over Pere, true, everybody in the milk company knew that Pere was blind, false, blindness of Pere was a secret that only his horse Joseph knew, true, word power, match A and B, चकल इसका डी आंसर है लाफ, ड्रेडफुल का जी आंसर है फियरफुल, टेंडरली इसका ए आंसर है सॉफ्टली, फिर स्ट्रोक इसका एफ आंसर है पैटर, ईयरली फाइव का बी आंसर है टायर्डली, एल सिक्स का ई आंसर है क्राय, एंड स्टॉक सी आंसर है वॉक। क्वेश्चन टू, फ्रॉम नाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, न्यू नॉलेज, वी शुड हैव नॉलेज फॉर ऑल सब्जेक्ट, लार्ज लार्जलेस लार्जनेस, द ब्लाइंडिंग लुक्स स्प्लेंडेड फॉर लार्जलेस फॉर लार्जनेस वाइट विट, अकोटा फ्लाई ओवर ब्रिज इज वेरी फेमस फॉर हिज विट, अराइव अराइवल, द अराइवल ऑफ ट्रेन आर डिस्प्लेस्ड ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट स्मार्टनेस आई हैव इनफ स्मार्टनेस, लाफ लाफ्टर आई लाइक टू वॉच लाफ्टर चैलेंज शो ऑन टीवी, कंप्लेन कंप्लेंट स्टूडेंट ऑलवेज डू कंप्लेंट फॉर अदर, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंसेस विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, द पेयर ऑफ द ऑक्सन वॉज हिच्ड टू द कार्ट एंड फार्मर drove away, the pair of the oxen was fastened to the cart and the farmer drove away, Bhikabhai is a good boasting, Bhikabhai is good at talking too proudly, the furniture is worn out, I want to replace it soon, the furniture is useless owing to overuse, when I looked at her he chuckled, when I looked at her, she gave a surprised laugh. As he was badly hurt, he limped down the street. As he was badly hurt, he walked with difficulty down the street. Grammar. Turn the following into indirect speech. Pere would call softly to Joseph, go on my friend. Pere would encourage Joseph, his friend, to go on. Pere would boast, I never touched the rein. He knew just where to stop. Pere would boast that he never touched the rein. His horse knew just where
टू स्टॉप. हाय पेरे जैक्स लाफ मे बी यू हैव गॉट द गॉट. जैक्स लाफ्ड एट पेरे सेइंग ही माइट हैव गॉट द गॉट. पेरे सेड टू द मैनेजर डोंट यू थिंक ही शुड टू रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन. पेरे आस्क द मैनेजर इफ थॉट ही शुड बी रिटायर्ड कैन गिवन अ स्मॉल पेंशन. पेरे सेड ही वी आर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड आई लेट अस वियर आउट टूगेदर. पेरे सेड दैट दे वेयर टू ओल्ड मैन जोसेफ एंड ही एंड suggested that should wear out. Change the degree of the following. No one knew this street as well as did Pierre Dupin. Pierre Dupin knew this street better than anyone else. Joseph was the smartest horse in the stable. Pierre and Joseph grew old together. Four, we will find another horse just as good as Joseph. We will find another horse not better than Joseph. There was equal grief in Pierre's heart and soul. Writing. Write a letter to your friend how fond you are of animal using the following clues. तो ये इस तरह से आपको लेटर लिखना है. एक्स वाई जेड स्ट्रीट एबीसी रोड न्यू दिल्ली डेट 22nd December. Dear friends, I hope this letter find you in good health. I am writing this letter to you to inform you about what happened last Saturday. So last Saturday I went to a dog adoption center near by colony and I was amazed to see all those far away cute and little dogs. Write a paragraph in about 100 words. Cruelty to animals using the following points. I was so amazed by sight of all these puppies, but one dog in particular caught my attention. It was a special need dog because he only had only one eye, and the trainer informed me that the vision in his other eye is also limited. The dog was initially sitting at the corner because no one approached him during the day, but as I went closer to him and he saw me, he was delighted. He was wagging his tail and was so happy to see me. That's when I decided that I am going to adopt this little boy. It has been 2 days now and his happiness no bounds. He has easily made everyone to fall in love with him. I cannot wait for you to meet him. Also, we have named him Romeo. I hope to see you soon. Give my warm regard to aunt, auntie. Your loving friend Prachi. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये यूनिट 2 यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.